वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक ये वीडियो जे ओ ए की एक नई सीरीज का वीडियो है इस सीरीज में हम जे ओ ए के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे ये वीडियो लेंथी जरूर रहेगा काफी इंफॉर्मेटिव होगा ये अश्योर्ड है सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट राइट इन टू द प्रैक्टिस टेस्ट सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ देखो कंप्यूटर में क्या होता है प्रोसेसर भी होता है मेमोरी यूनिट भी होता है इनपुट आउटपुट यूनिट्स भी कंप्यूटर के पार्ट रहते हैं तो ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर रहेगा अबैकस कुड फॉर्म अबैकस क्या है ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है अबैकस एक लैटिन वर्ड है विच मींस विदाउट बेस और लैटिन वर्ड भी फर्दर ग्रीक्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है कैलकुलेटिंग डिवाइस है और बहुत जो स्टार्टिंग कंप्यूटेशन का जो स्टार्टिंग एरा है वो अबैक्स से ही स्टार्ट हुआ जो मैसोपिटेमियन और सुमेरियन सिविलाइजेशन है ये लोग तो Abacus को काउंट करने के लिए यूज करते थे सिर्फ सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज करते थे बट लेटेस्ट स्टेज में जो बेबी लॉनियन स्कॉलर है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते थे इसको कुड परफॉर्म परफॉर्मेंस इन्होंने पास्ट की बात करी है हालांकि मॉडर्न अबैकस तो सब कुछ कर सकता है इंक्लूडिंग मल्टीप्लीकेशन स्क्वेयर रूट से लेके क्यूब रूट्स तक डिविजन जो भी बेसिक कर्थमेटिक ऑपरेशन है वो मॉडर्न एवर्कर्स परफॉर्म करते हैं बट दिस क्वेश्चन इज संग दिस कुड परफॉर्म इंस एब्सोल्यूटली वी नीड टू आंसर इन टर्म ऑफ इट्स पास्ट एबिलिटी तो वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेक्ट थर्ड क्वेश्चन द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो था आई एन ई एन आई ए सी प्ले लिस्ट पर अगर चैनल के प्ले लिस्ट पर कंप्यूटर फंडामेंटल प्ले लिस्ट को आप एक्सप्लोर करोगे उसमें कंप्यूटर जनरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपलोड किए हुए हैं वो प्ले लिस्ट जरूर देखिए और कंप्यूटर जनरेशन से डेफिनेटली यू विल गेट वन और टू क्वेश्चन तो एनएक क्या है ये फर्स्ट जनरेशन का एक कंप्यूटर है जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक uh, कंप्यूटर था कई बार आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है सो so, इसके फुल फॉर्म है ए स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एन फॉर न्यूमेरिकल आई फॉर इंटेग्रेटर ये इसकी फुल फॉर्म एंड कैलकुलेटर ए सी से एंड कैलकुलेटर जे एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉशले ये इसके इन्वेंटर हैं इन्वेंटर भी पूछा जा सकता है तो ये था सेकेंड क्वेश्चन ए एन आई ए सी के बारे में थर्ड नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कंप्यूटर देखो इनमें से सबसे छोटा कंप्यूटर साइज वाइज वेट वाइज वो है नोटबुक नोटबुक से भी छोटा फिर फैबलेट या टैबलेट आएगा देन मोबाइल फोन आ जाएगा करेक्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में देन लैपटॉप है वर्क स्टेशन आपके मिनी कंप्यूटर्स फाइनली साइज में जो सबसे बड़ा कंप्यूटर वो सुपर कंप्यूटर होता है अब क्वेश्चन फाइव सुपर कंप्यूटर पे ही दिया उन्होंने पी ए आर ए एम इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की हिस्ट्री भी आपको कंप्यूटर की जनरेशन में ही मिलेगी बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपको अपलोड किया है अब जरूर देखो इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटिंग के फादर अगर आपसे पूछे जाएंगे वो है सेमोअर क्रे एक क्रे करके एक सुपर कंप्यूटर था तब वो बहुत फेमस हुए थे हालांकि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर बताया जाता है कि इट इज सी डी सी सिक्स सिक्स जीरो जीरो कोई भी क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग कहीं से भी हो सकती है यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर सिक्स क्वेश्चन इज द सी पी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये हार्डवेयर है प्रोसेसर है ये तो सी इसका आंसर होगा प्रोग्राम तो कोड का एक ब्लॉक है कोड की एक स्टेटमेंट है कोड का एक चंक है पेरिफेरल्स वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में अटैच होते हैं फॉर इंस्टेंस प्रिंटर इज अ काइंड ऑफ पेरिफेरल माउस पेरिफेरल है एक्सटर्नल पोर्ट्स पे अटैच किया जाता है जिन डिवाइसेस uh, को दे आर कॉल्ड पैरिफ्रल्स और इनपुट आउटपुट तो ये होगा ही नहीं हार्डवेयर है ये द डिवाइस विच इज अलाउड टू इनिशिएट डेटा ट्रांसफर ऑन द बस एट एनी टाइम इज कॉल्ड यहां पे इस वर्ड को बच्चों जो अभी हाईलाइट कर रहा हूं मैं यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन दिस वर्ड नॉर्मली जो बच्चा कंप्यूटर पे नया है या जो लोग कंप्यूटर पे नए हैं उन्हें लगेगा ये बस तो पैसेंजर को ट्रैवल करने वाला व्हीकल है बट बेसिकली अगर कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को हम स्टडी करेंगे बस डेटा को कैरी करने वाली केबल्स को कहते हैं जिससे आपका डेटा ट्रांसफर होगा बट वो डेटा ट्रांसफर इनिशिएट इनिशिएट मतलब कि एक डिवाइस है वो एंश्योर करेगा कि अब इस केबल से डाटा ट्रांसफर हो जाए उसे बस मास्टर कहते हैं हम वो डिवाइस जो इनिशिएट करता है डेटा ट्रांसफर को दैट इज कॉल्ड बस मास्टर ये डिवाइस को इनेबल करता है ना कि वो बस एक्सेस मिल जाए उसे डेटा ट्रेवल करने के लिए ये सेवेंथ क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर क्या है वो चिप है जो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स में लगी होती है जिसकी वजह से साइज बहुत कम है देखिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनमें ट्रांजिस्टर इंस्टॉल किए गए वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस हुई थर्ड जनरेशन में आईसीज देन बी एल एस आईसीज फिर माइक्रो चिप्स एड हुई इसी वजह से कंप्यूटर्स का इतना माइक्रो साइज हुआ और ये जो माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किए थे ये किए थे मैर्शियन ई हॉफ ने मैर्शियन ई हॉफ एडवर्ड हॉफ भी इनको कहते हैं न्यूयॉर्क के बहुत पॉपुलर प्रोग्रामर हैं ये निक है इनका टेड कई बार पूछा जाता था टेड का टेड किस लिए पॉपुलर है वो माइक्रो प्रोसेसर के लिए जिसको आप सीपीयू कहते हो आज की डेट में वो इन्होंने इन्वेंट किया है कंप्यूटर की स्पीड किसमें मेजर होती है द स्पीड एट व्हिच कंप्यूटर प्रोसेसस डेटा वो हर्ट्स में होती है हर्ट्स पे होने का रीजन क्या क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर प्रोसेस करता है उनको क्लॉक स्पीड में मेजर करते हैं अब क्लॉक स्पीड मींस पर साइकिल कितनी इंस्ट्रक्शंस मेजर होगी और साइकिल पर सेकंड अगर जहां पे भी आता है वहां पे हर्ट्स यूनिट होता है बिट बाइट और टेराबाइट ये मेमोरी के यूनिट्स हैं ये मेमोरी मेजरिंग करने के यूनिट्स हैं वन टेराबाइट बाइट वन बाइट वन बिट ये मेमोरी यूनिट्स हैं तो स्पीड हमेशा याद रखना हॉर्स में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कीबोर्ड के टॉप रो पे अगर आप देखोगे ट्वेल्व फंक्शन की एफ वन से लेके एफ तक तो बिना डाउट के एफ ट्वेल्व पे क्लिक करो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस मीन अब पॉइंटिंग डिवाइस कौन है कीबोर्ड से तो कीज एंटर करते हैं हम सी डी रोम तो डिस्क है स्कैनर तो एक डिवाइस है जो स्कैन करेगा माउस करेक्ट आंसर है पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं इसको जॉयस्टिक 360 सिक्सटी मूवमेंट्स पे काम करता है कंप्यूटर में गेमिंग्स के लिए भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो ये 360 सिक्सटी मूवमेंट्स में ऑपरेशन होती हैं इसकी याद रखना कभी पूछा भी जाता है और ये जॉयस्टिक्स स्टिक्स जे में भी आपने देखा होगा कंट्रोल कॉलम जो जे का होता है उसमें भी इसी तरह की मूवमेंट्स होती हैं ड्रोन्स में बट कंप्यूटर में जेसीबी और ड्रोन्स तो आएंगे नहीं।, नहीं जाहिर सी बात है कि गेमिंग कंसोल में जो एस्टिक इनपुट डिवाइस है ये भी कई बार पूछा जा सकता है थर्टीन क्वेश्चन है ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए क्या जरूरी है जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं मैंने माइक अटैच किया है अपने लैपटॉप के साथ अपने सिस्टम के साथ तो माइक को बोलते हैं माइक्रोफोन एम भी बोलते हैं और माइक्रोफोन भी बोलते हैं इनपुट डिवाइस है माइक याद रखना स्पीकर आउटपुट डिवाइस है तो रिकॉर्डिंग के लिए माइक यूज़ होता है CRT जो पुराने टाइम में है आप लोगों ने देखा होगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह के टीवी आते थे डोम शेप के ये कैथोड रे ट्यूब्स पे बेस्ड होते थे सीआरटीज ही बोलते हैं इनको ये एक तरह की वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं करेक्ट फिफ्टींथ क्वेश्चन पे जाते हैं प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है इज अ काइंड ऑफ प्रिंटर डिफरेंस ये है कि प्लॉटर बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स बिल ये प्रिंट होते हैं जैसे मूवी के लिए कोई पोस्टर आप देखते हो मल्टीप्लेक्स के बाहर लगा होगा वो प्लॉटर से प्लॉट किया जाएगा या आप आ, कोई ग्राफिक्स अटैच करते हो वो डिपेंड करता है कि कौन से प्लॉटर की टाइप आप यूज कर रहे हो बट आउटपुट डिवाइस है दिस इज फॉर श्योर सिक्सटींथ क्वेश्चन है सबसे ज्यादा स्पीड डेटा को ट्रांसफर करने की वो इनमें से कौन सा डिवाइस आपको प्रोवाइड करता है वो है यूएसबी पोर्ट यूएसबी पोर्ट में टेन एम बी से ज्यादा ज्यादा आपको स्पीड मिलती है जो सीरियल पोर्ट है ये तो एक ही साइड में एक सेकेंड में आ, कुछ एट बिट्स को कैरी करने का कैपेबिलिटी होती है पैरल पोर्ट्स बहुत साइडेड हैं बट बहुत आ, कम डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है फायर वायर ये तो ऐसे डमी इन्होंने दिया है कि कोई यूज ही नहीं है सो यूएस बी इज द करेक्ट आंसर मॉडर्न पीसीज में यूएस बी की भी सीरीज है यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है पूछी जा सकती है यूएस बी केबल में जो आप यूएस बी बोल रहे होट दैट यूएस बी आई एम टॉकउट सो प्रोवाइड फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर रेट सेवनटींथ क्वेश्चन है हाफ वाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जस्ट नीड टू फोकस ऑन लिसन निबल एक यूनिट है ये चार बिट्स का एक क्लॉग है चार बिट्स अगर होंगे आप उसको निबल बोल सकते हैं अगर आठ बिट्स होंगे तो वो दो निबल हुए हाफ वाइट का मतलब हुआ कि मैंने बताया आपको निबल करेक्ट दो निबल का एक बाइट बनता है आधे बाइट का ऑटोमेटिकली एक निबल हुआ या सिंपल याद रखना चार बिट्स का निबल बिट्स के कलेक्शन को निबल बोलते हैं एट बिट्स के कलेक्शन को बाइट बोलते हैं करेक्ट रैम क्या है ये वोलेटाइल मेमोरी है वोलेटाइल मीन जब तक पावर आपके पीसी पे है वो ऑन है तब तक वो कंटेंट टेम्परेरी होल्ड करेगी टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं इसको बट एज यू स्विच ऑफ योर सिस्टम इमिडिएटली ऑल द कॉन्टेंट्स इन दिस मेमरी आर लॉस्ड अभी सपोज अब मैं काम कर रहा हूँ कंप्यूटर पे परमानेंट में उस काम को मैं सेव करूंगा वो आपका सेकेंडरी मेमरी में सेव हो जाएगा बट रैम रैम में कभी भी पर्मानेंट सेव नहीं रहता है डाटा ये वो चिप है जो सिर्फ एग्जीक्यूशन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है हमें वोलेटाइल मेमरीज लिये कहते हैं उसको ये रैम की टाइप्स हैं नाइनटीन क्वेश्चन में देखो सारी सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं रोम जो चिप लगी होती है वो सेमीकंडक्टर बेस्ड है रैम सेमीकंडक्टर बेस्ड है बट यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी और प्रोग्राम्ड प्रोम में ही ये वाली मेमोरी होती है प्रोग्राम्ड ये रैम की टाइप्स हैं एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम एंड डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैम दीज आर टाइप्स ऑफ रैम बट रैम इज नॉट अ प्रोग्राम्ड मेमरी प्रोग्राम्ड मेमरी कौन है ई प्रोम है मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी नाइनटीन का सी इज करेक्ट आंसर ट्वेंटी क्वेश्चन वट डज अ डेसीमल नंबर रिप्रेजेंट डेसीमल नंबर पोजिशन को डिपिक्ट करते हैं कि वन पे है टेंस पे है हंड्रेड पे है ट्वेंटी वन सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिवली यूटीलाइज बाय एंड यूजर हम लोग जिन एप्स का यूज करते हैं उनको एप्स कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका बट ये भी आंसर नहीं है दिस इज द करेक्ट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से चूज आउट करो इनमें से ऐप क्या नहीं है डेटा बेस इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसर इज एन ऐप ब्राउजर इज एन ऐप ड्राइवर एप्लीकेशन नहीं है हम लोग ड्राइवर से इंट्रैक्ट थोड़ी ना करेंगे ब्राउजर हम यूज करेंगे एंड यूजर डेटाबेस हम लोग यूज करेंगे एम एस वर्ड ओपन करोगे आप टाइप करने के लिए बट ड्राइवर से यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता ड्राइवर्स आर मेंट टू डिटेक्ट डिवाइसिस सपोज आपने पेन ड्राइव कंप्यूटर पे अटैच किया सो ड्राइवर इज द रीजन बिहाइंड दैट विल ड्राइव योर पेन ड्राइव विल बी एबल टू एग्जीक्यूट योर पेन ड्राइव दिस इज ड्यू टू डिवाइस ड्राइवर्स ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन क्या है फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्रामड यूजिंग फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो मशीन लैंग्वेज से उनको कोड किया जाता था सेकेंड जनरेशन में आई आपकी असेंबली लैंग्वेज देन के द हाई लेवल लैंग्वेज ट्वेंटी फोर्थ फॉर्म पूछी गई हो तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन करो बट तो यहां पे पूछा गया है कि ये कि किसने इंट्रोड्यूस करी थी किस प्रोग्रामर का नाम ने लिया है ये एक बहुत पॉपुलर लेबोरेटरी है कंप्यूटर की वेल well लेबोरेटरीज बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज यहाँ से डेवलप करी हैं इन्होंने तो इसका वेल लैब होगा आई ने ये साइंटिफिक परपज के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया था इंटरनेशनल बिजनेस मैसेन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोर ट्रेन का यूज क्या होता है साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए इंट्रोड्यूस किसने की थी बेल लेबोरेटरीज ने फुल फॉर्म क्या है ट्रांसलेशन फॉर फॉरमूला ट्रांसलेशन ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम हर काम करता है प्रोसेस मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट फोल्डर मैनेजमेंट सीपी यू मैनेजमेंट स्केड्यूलिंग प्रोसेसिंग एवरीथिंग ऑल द ये दू इसको, इसको कहते हैं मास्टर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर कुछ और ज्यादा आपने लर्न करना है प्ले लिस्ट पर जाके आप ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पे आपको बहुत लर्निंग बहुत ईजीली आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है आंसर ऑल ऑफ दिस होगा द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज रिटर्न इन यूनिक्स को लैंग्वेज में लिखा गया था इन्होंने मशीन लैंग्वेज दिया गया है तो पहले इसको मुझे लगता है कि कोड किया गया, गया था ऑपरेटिंग सिस्टम ट्वेंटी सेवेंथ विच वॉज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस डॉस की कमांड्स भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है प्लेलिस्ट पे आपको एक वेल अरेन्ज फॉर्मेट में कंप्यूटर के हर एक आर्टिकल के सब आर्टिकल सब ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड सी एच के डी एस के ये एक्सटर्नल कमांड है ये इंटरनल कमांड्स हैं, ऑलरेडी लोडेड होती हैं ये कंप्यूटर सिस्टम जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है इंटरनल कमांड एक्सटर्नल कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्क एट इंस्टॉल करनी पड़ती है डिस्क के एरर्स को चेक करने के लिए ये कमांड का यूज किया जाता है ये सारे इंटरनल है नॉट इंटरनल डी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज माइक्रोसॉफ्ट विच मेन्यू इज सेलेक्ट टू प्रिंट द प्रिंट इन एमएस वर्ड विंडो फाइल मेन्यू पे प्रिंट की ऑप्शन आपको मिलेगी थर्टी फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप इन एमएस विंडो इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू इनको पुल डाउन मेन्यूज जो होते हैं उनको ड्रॉप डाउन भी कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है तो ये थे आज के टॉप थर्टी टू क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम थर्टी टू से लेके सिक्सटी टू या सिक्सटी फाइव तक डिस्कस करेंगे और ये आपका क्विज का क्वेश्चन रहा आप लोगों ने बताना है कि सिम की फुल फॉर्म क्या है वीडियो अच्छा लगा तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज इसे जरूर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए विद इन फ्यू डेज वी डेफिनेटली विल अपलोड इट्स सेकेंड पार्ट